Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. यूं तो बिहार का चुनाव हमेशा से खास रहा है, लेकिन जिक्र जब पीएम नरेंद्र मोदी की होती है तो यह और भी खास बन जाता है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार लोगों को उम्मीदवार के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के हमशक्ल भी दिख रहे हैं। पीएम मोदी के हमशक्ल नरेंद्र मोदी भी इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे हैं। ये जनाब चुनाव जीतकर विधायक बनने का सपना नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब सजोए बैठे हैं। जी हाँ, जरा इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। ये देश के पीएम नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि उनके हमशक्ल अभिनंदन पाठक उर्फ नंदन मोदी हैं। नंदन देखने में हूबहू पीएम मोदी के शक्ल के दिखते हैं। अभिनंदन पाठक उर्फ नंदन मोदी ने गोपालगंज के हथुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। नंदन पाठक ने बताया कि उन्हें वंचित समाज पार्टी से हथुआ विधानसभा सीट से नामांकन किया है। उन्होंने बताया कि वह चुनाव जीतकर पटना जाएंगे और मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करेंगे। नंदन मोदी ने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार का विकास करेंगे और जनता का पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे। हथुआ में अमीर और गरीब की लड़ाई होने वाली है, वो वंचित संशोषित समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। नंदन मोदी मूलतः यूपी के सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। उनका ससुराल गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड के सवनाहा गांव में है, जहां ससुराल में उन्हें 9 वर्षा की जमीन मिली हुई है, यहीं वो अब रह रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो नंदन मोदी ने कहा कि उनकी सीधी लड़ाई समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह से है। बता दें कि समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह भी हथुआ विधानसभा सीट से 4 बार से विधायक बनते आ रहे हैं। इस बार भी 5 बार जीत दर्ज करने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। जदयू की यह परंपरागत सीट रही है। यहाँ पिछली बार हम से महाचंद्र सिंह दूसरे नंबर पर थे, लेकिन बार राजद और जदयू में सीधी टक्कर है। लेकिन मोदी के हमशक्ल नंदन मोदी के मैदान में आ जाने से यह सीट अब रोमांचक हो गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वर्चुअल मोदी इस चुनाव में कमाल कर पाते हैं या फिर नीतीश कुमार के विधायक को सीधे टक्कर दे पाते हैं। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।